नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी दरअसल सूरत की सेशन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के इस केस में 23 मार्च को राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी फैसले के खिलाफ राहुल गुजरात हाई कोर्ट गए थे जहां 7 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था हाई कोर्ट ने कहा था इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम दस केस पेंडिंग हैं ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी और वे दो का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो वे छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर राहुल गांधी के खिलाफ महानी की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल की थी उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की थी इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद